झुग्गियों की जिंदगी। गंदगी से भरी जिंदगी, ना उम्मीदों से भरी जिंदगी, अंधेरों से भरी जिंदगी। दिल्ली में झुग्गियों में रहने वालों की यही कहानी है। किसको अच्छा लगता है यहाँ पे रहना? है कोरी गंदगी है यहाँ पर, बारिश में बहुत बुरा हाल होता है, इतना इतना पानी भर जाता है। कोई रिश्तेदार आ है जब भी लिहाज आती है हमारे, शादी के लिए रिश्ते आते ही नहीं है भैया यहाँ पे, यहाँ से गाँव जाकर के शादी करना पड़ती है। टूटी छत, कच्चे मकान, ना ही कोई सुविधा और ना ही आत्मसम्मान। इस गरीबी में सब कुछ सहना पड़ता है, या एक तरह का नरक है ये। इसी जगह गेरा की नरक की जगह, नरक में पड़े हैं। देखिए झुग्गियों में कोई शौक से नहीं रहता, झुग्गियां लोगों की मजबूरी हैं। जिस तरह के हालात यहाँ पे होते हैं, जिस तरह की जिंदगी यहाँ पे जीनी पड़ती है, जिस तरह की परिस्थितियों में लोग अपने पूरे परिवार के साथ झुग्गियों में रहते हैं, ये तो मजबूरी है। कई बार हम झुग्गियों के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है इन लोगों ने जबरदस्ती एनक्रोच करके सरकारी जगह पे कब्जा करके झुग्गियां बना ली हैं। लेकिन जब हम ये सोचें तो ये जरूर सोचें कि झुग्गियां बनती क्यों हैं। किसी भी शहर में जब हम कोठियां प्लान करते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स प्लान करते हैं, तो हम छोटे छोटे घर प्लान नहीं करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि एक अखबार बेचने वाला कहां रहेगा, रेहड़ी वाला कहां रहेगा, सब्जी बेचने वाला कहां रहेगा, कबाड़ी वाला कहां रहेगा। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे की साइकिल में जो व्यक्ति पंचर लगाएगा वो कहां रहेगा। उनको भी तो इसी शहर में हमारे साथ रहना है, वो हमारी जरूरत है। बरसात आती थी तो इस तरह से ऐसे करके किनारे पे बैठ जाते थे, पूरे घर में पानी बरसता होता था, जितनी जगह बचती थी उतनी जगह पे बैठ जाते थे, तो काफी तकलीफ होती थी उससे, बहुत तकलीफ होती थी। अब तो बहुत 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 शुक्रिया दिल्ली सरकार का कि उन्होंने हमारे लिए ये सारे इंतजाम किए। पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने इस तरफ कई ठोस कदम उठाए हैं और उसके नतीजे निकलने लगे हैं। आप खुद देखिए कि किस तरह झुग्गियों में बहुत बदहाली में रहने वाले लोग अब बहुत अच्छी शानदार इज्जत भरी जिंदगी फ्लैट्स में जी रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 2 सालों में हजारों लोगों को झुग्गी की जगह रहने को फ्लैट दिए हैं। पूरी दिल्ली में कई झुग्गी बस्तियां पूरी तरह से फ्लैट्स में शिफ्ट की गई हैं। जहां सब लोग सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। एक बार और झुग्गियां टूटी थी यहाँ पे, बहुत परेशानी हुई थी। हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे लेके बिखरते थे, ऐसे ऐसे टूटी थी कि जैसे लगे जानवरों की तरह किसी ने तोड़ के फेंक दिया हो। हम लोग रोते थे, यहाँ पे इतने कूड़े की गाड़ियाँ लगी रहती थी, कूड़े नाले में साफ करने आते थे, यहीं पे सारे कचरे यहीं पर रख देते थे और लाइट चली जाती थी, इसी में इतनी बदबू आती थी, कभी नहीं सोच सकते थे कि ऐसी दिन कभी हम अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे। कभी ऐसे सपनों में नहीं सोचा, जो मनीष सिसोदिया जी ने हम लोगों के हमारे बच्चों के लिए ये दिन लाए, उनके लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी शुक्रिया अदा कर रही हूँ। आने वाले 4-5 महीने में लगभग 50,000 मकान दिल्ली के अंदर हमारे बन के तैयार हो जाएंगे और जो गरीब लोग हैं उनको हम अलॉट कर सकेंगे। ऑलरेडी हम लोग 4,000 लोगों को घर अलॉट कर चुके हैं, उनको शिफ्ट भी करा चुके हैं। और दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जितने भी स्लम डेवलपर्स हैं उनको अच्छे घर बना के दे सकें और अच्छी जगह दे सकें। इस सरकार का सपना है दिल्ली को स्लम फ्री बनाना, लेकिन ये सपना झुग्गियां उजाड़ कर नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले परिवारों को अच्छे घर देकर पूरा करना है। झुग्गी तो बहुत गंद बनाई, यहाँ आके सफाई रखो। नरक से निकाल के दिल्ली सरकार ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। हम दिल्ली सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं जिन्होंने की हमारी झुग्गियां तोड़ करके 4-5 आदमियों को रहने का हमें फ्लैट दिया है। और हम झुग्गियों से जब फ्लैटों में आ गए हैं तो हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और यहाँ बिजली पानी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत अच्छा लगा है, हमें बढ़िया। हमारे 4 आदमी आ जाएंगे, इज्जत करते हैं हमारे की। कहाँ रहते भाई? कहाँ रहता है अशोक भाई? वहाँ रहता हूँ भाई मैं तो।
फ्लैट में रहने लग रहा हूँ। छोटी सी झुग्गी थी ना, तो उसमें कुछ होता था, रिश्तेदार भी नहीं आते थे। आज के टाइम में रिश्तेदार भी आते हैं, हम कहीं बाहर जाते तो हमारी भी इज्जत होती है काफी। काफी अच्छा लगा वहाँ, एक रह रहे थे मतलब मिट्टी की दीवारों में, और वही टीनों का वो लगा था, या मकान मिल गया, थोड़ी इंसानों में गिनती भी आ गई है। वहाँ पे हम अपनी फ्रेंडों को बुलाते थे तो वो आते नहीं थे, और उनको बताने में थोड़ा अजीब सा लगता था। अब यहाँ पे हम बोलते तो वो आ जाते हैं। दिल्ली सरकार का ये शुक्र अदा है कि आज मेरा पक्का मकान है, मैं उस मकान में रह रहा हूँ। ना ही कोई बुलडोजर चले या मारपीट हुई, और ना ही कोई लाठी चार्ज हुआ। आराम और सम्मान से इन सभी लोगों की देखते ही देखते जिंदगी बदल गई। समय तोड़ते थे और भगा दिया करते, और कुछ नहीं होता था। कहते थे, वादा देते थे कि हम आपको फ्लैट देंगे, हमको हम आपको घर देंगे, लेकिन कभी देते नहीं थे। लेकिन मनीष सहगल ने हमको वादा अपना पक्का किया है। तो बहुत अच्छे, बहुत तरीके से ये कानूनी कार्यवाही बहुत तरीके से अच्छे से, और दिल्ली सरकार की तरफ से, मनीष सहगल की तरफ से हमको बहुत बहुत मेहरबानी उनकी। हमें बहुत अच्छे घर फ्लैट दिए गए हैं द्वारका में, और हम बहुत। पहले जो झुग्गियाँ टूटती थी उसमें तो बहुत ज्यादा पुलिस आती थी, बहुत ज्यादा और लोग औजार वगैरह लेके आते थे, बुलडोजर लेके आते थे, बिना पूछे कछे तोड़ देते थे। बहुत बढ़िया बेहतरीन सर्वे हुई, जिसमें किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं हुई, किसी तरह की कोई धांधलेबाजी नहीं हुई, बहुत सही सर्वे हुई। और जो भी डॉक्यूमेंट जिनके पास थे, पुराने भी थे, नए भी थे, जो भी थे, सबको अच्छी तरीके से मकान दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लैट अलॉट करने के बाद उनको हमने खुद ही कहा कि अपनी झुग्गी का खुद डिमोलिशन करें। हफ्ते भर का वहाँ टाइम दे दिया, वहाँ हमारे लोग बैठे गए, और जो जो अपनी झुग्गी तोड़ता गया उसको डिमोलिशन स्लिप दे दी। वो डिमोलिशन स्लिप लेकर के वहाँ पहुँचा जहाँ पे मकान थे, वहाँ पे हमारे जूनियर इंजीनियर ने उसको पोजेशन स्लिप दे दिया। मैं यहाँ से पानी भरती हूँ, मेरे को यहाँ का पानी अच्छा, हमारे लिए पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, आरओ का पानी मिल रहा है। पहले झुग्गी में रहते थे, बाहर टॉयलेट जाते थे, तो अब हमारे को सुविधा मिली है, घर ही में सब कुछ है। पहले हम झुग्गी में रहते थे, बाहर जाते थे, डब्बा ले लेके जाया करते थे, डब्बे से यहाँ खुद अपने खुद का भाई। मकान बनाना और मकान में शिफ्ट करना तो आसान है, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए भी फैसला किया गया है कि हमने एक स्टेट मैनेजमेंट फंड क्रिएट किया गया है, और उसमें इतना प्रोविजंस कर दिया कि मात्र उसके इंटरेस्ट से इसके मकानों की 5 साल तक मेंटेनेंस करेगी, हर तरह की मेंटेनेंस। झुग्गी में देख के अपनी लड़की कौन खुश होगा, अब यहाँ फ्लैट में फ्लैट रहता है, रिश्ता करवा देते। एक सामने हॉल है बड़ा सारा, उसमें हम शादी वादी भी कर सकते हैं। शादी ब्याह में भी थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, अब यहाँ तो हो ही रहा है मतलब नॉर्मली। यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, सारा अच्छा है, कुल मिला के अपना घर मिल गया, बहुत अच्छा है। झुग्गी में जो थे वो निकलने को जगह नहीं थी, कम जगह थी, यहाँ पर खुली सड़कें हैं, गलियाँ भी अच्छी हैं, यहाँ पर तो पानी नहीं आता, बारिश में आराम से सोते, सुबह पता लगता कि रात को बारिश हुई। दिल्ली सरकार ने झुग्गी में रहने वाले परिवारों को दिया पक्का मकान, सुरक्षा और सम्मान।